महाराष्ट्र की सियासत में बाल ठाकरे के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन मुंबई की गद्दी पर कौन बैठेगा वही तय करते थे। करीब 45 साल के अपने सियासी जीवन में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, लेकिन एक फैसले को लेकर वो इंदिरा गांधी के समर्थन में खड़े हो गए थे। दरअसल बाल ठाकरे अक्सर इंदिरा गांधी पर कार्टून बनाकर कटाक्ष किया करते थे, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो ठाकरे सरकार के समर्थन में खड़े हो गए। वही 1971 में जब इंदिरा गांधी की अगुवाई में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए बांग्लादेश को नए देश के तौर पर आजाद कराया तो बाल ठाकरे ने इंदिरा गांधी की जमकर तारीफ की। बाल ठाकरे ने इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी जो चाहती हैं वो कर देती हैं। हालांकि कई बार बाल ठाकरे अपने कार्टून के जरिए इंदिरा गांधी पर कटाक्ष भी कर चुके थे। इस कार्टून को देखिए जिसे बाल ठाकरे ने बनाया था और गरीबी हटाओ के नारे को लेकर के इंदिरा गांधी पर कटाक्ष किया था। हालांकि कई ऐसे भी मौके आए जब अपनी विचारधारा के खिलाफ बाल ठाकरे ने कांग्रेस का समर्थन किया। 2007 में प्रतिभा देवी पाटिल राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी, शिवसेना बीजेपी में गठबंधन था, लेकिन मराठी होने की वजह से बाल ठाकरे ने प्रतिभा पाटिल को समर्थन दिया। वहीं 2012 में बाल ठाकरे ने यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का भी समर्थन किया। बाल ठाकरे के बारे में करीब से जानने वाले लोगों का मानना है कि वह सही को सही और गलत को गलत कहने वाले व्यक्ति थे। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार और बाल ठाकरे की सियासी दुश्मनी के खूब चर्चे हुए। इसकी बड़ी वजह यह रही कि दोनों ही नेता राज्य की राजनीति के दो धुरी थे। ठाकरे जब तक दुनिया में रहे वे शरद पवार का राजनीतिक विरोध करते रहे। निजी तौर पर दोनों ही परिवारों में गाढ़ी दोस्ती भी देखी गई। बाल ठाकरे खुद भी बियर पीते थे, इसे कभी छिपाया नहीं, पर पवार को अक्सर वो शराबी कहते थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।